हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ब्राह्मणी ब्रिज, मतलब सेकंड ब्रिज जो है अपना पानपोस्ट का, वहाँ पे खड़े हुए। और आज एक जा रहे हैं हम लोग वाटरफॉल, जहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया यूनिक है, रॉयल किला से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। आज वहाँ जा रहे हैं, तो कौन सा वाटरफॉल है आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अभी वहाँ जा रहे हैं। और कैसे जाना है और कहाँ से जाना है वाटरफॉल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हमारे साथ यहाँ पे आज नुमान है, तो नुमान चलते हैं आज हम लोग वाटरफॉल और देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हम लोग जो है IDC के पास खड़े हुए हैं। ये रास्ता जो है IDC से हम लोग को घुसना है, जो इधर देख रहे हो अपना, जो है इधर जाना है हम लोग को ये रोड में, जो कि अपना जो है आर्नोल्ड स्कूल जाने का जो रास्ता है ना, बस वही रास्ता में जाना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कहाँ से और कटिंग करना है। वैसे तो हमने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इसका मैप पूरा दे रखा है, अगर आप आना चाहो तो वो मैप के जरिए आ सकते हो। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे बढ़ो। ये रोड में जाना है जो कि आर्नोल्ड स्कूल जाने का रास्ता है, और आर्नोल्ड स्कूल नहीं जाना है हम लोग को, उससे पीछे एक कटिंग होगा लेफ्ट साइड में, वहीं से घुसेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने रहिए। तो फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए। देखो हमारे साइड बैक साइड जो है ये है और सेटर दुकान है, और इस साइड जो है रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से जाना है हम लोग अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं और जो है आप डायरेक्ट कहाँ कहाँ आपको रुकना है सारा चीज़ बताऊँगा, तो वीडियो में बने। तो ये रास्ता है हम लोग का अंदर जाने का, और ये थोड़ा बस्ती रास्ता है, तो यही रास्ते में हम लोग को जाना है। और आगे आगे देखते हैं क्या क्या रोड आता है, आपको सारा बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। तो हम लोग जो है यहाँ थोड़ा और अंदर आए हैं, तो यहाँ पे जो है एक किया हुआ प्लांट टाइप का, मतलब यहाँ पे मछली वगैरह है कि क्या है, और वहाँ पे एक फार्म टाइप का किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो। और यही रोड में हम लोग को सीधा जाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। फाइनली हम लोग स्पॉट पे तो नहीं पहुँचे, रोड पास पहुँचे, और एक जगह में हम लोग गाड़ी रोके हैं और उधर ही जा रहे हैं। तो ये थोड़ा अंदर में है, चल के जाना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पीछे से जो है पूरा जंगल टाइप का है, हम लोग जाएंगे उधर, चल के ही जाएंगे। तो ये जो घर देख रहे हो ना, ये घर का पीछे साइड में है, एक लेडीज़ ने हमें बताया है, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो हम लोग को गाड़ी जो है रोड में ही रखना पड़ेगा, और रोड से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। ये गाँच है और ये पेड़ के सामने से हम लोग इधर से रास्ता है एक, तो वहाँ पे देख सकते हो एक पत्थर दिख रहा है ना, बस वहीं पे जाना है हम लोग को। हम आगे आगे बोतल लेके चल रहा है, और हरा भरा यहाँ पे बहुत सारा है, पूरा नाला है यहाँ पर ही। और तो ये देखो इधर से जो है एक रास्ता है, और पत्थर उत्थर रखा हुआ, पानी देख रहे हो, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए। तो देख सकते हो नज़ारा, और थोड़ा यहाँ आने में थोड़ा दिक्कत है, अगर गाड़ी आप पार्किंग करोगे तो कहीं साइड में रोड में कर सकते हो। और देखो यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है, तो हम लोग को यहाँ करना था, लेकिन हम लोग आगे थोड़ा करे हैं किसी एक घर के पास में, और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये जो है अपना जो वाटरफॉल का, ये छोटा सा वाटरफॉल है, इसका नाम है गुटी फोरा। तो गुटी फोरा आप जो है लोकेशन जो है हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो यहाँ पर आप आके इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखो हम लोग का वाटरफॉल, छोटा सा है, बहुत ही अच्छा जगह है, तो देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, हम लोग जो है वाटरफॉल में पहुंच गए हैं। ये जो है हम लोग का रॉयल किला से 13 किलोमीटर पड़ता है, जो ब्रिज है वहां से हमको लगता है 10 किलोमीटर पड़ता होगा, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता होगा। और ये छोटा सा वाटरफॉल है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप आना चाहते हो घूमने के लिए तो आ सकते हो यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आएगा। और कभी भी आना तो भाई सुबह आना, क्योंकि ये थोड़ा जंगल इलाका है, मतलब कि जंगल इलाका नहीं है, जैसे कि क्या बोलूँ मैं, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अच्छा ही जगह है, रॉयल किला से 10 किलोमीटर है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी जगह है। और देख सकते हो ये नज़ारा, सब जगह का नज़ारा बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो चलिए यहाँ तक आपको हम ले आए हैं, और यहाँ पर मछली वगैरह है कि नहीं है पूछते हैं नुमान से। नुमान, मछली है क्या यहाँ पर? तो देख सकते हो यहाँ का नज़ारा वाटरफॉल। और अगर यहाँ तक आने के बाद अगर आपको पता नहीं चले कि अंदर कैसे आना है, तो आप किसी से भी पूछ लेना, यहाँ पे बहुत लोग हेल्प कर देते हैं। तो रॉयल किला से बहुत ही नज़दीकी है, तो चलिए बने रहिए, मज़ा आ रहा है यहाँ पर ही।
तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और पिकनिक स्पॉट भी बना सकते हो आप इसको। अगर खाना पीना करना है, पिकनिक बनाना है तो आप यहाँ पे, छोटा सा है, सामने है रॉयल किला से, बहुत ही सामने है। चलिए आपको नज़दीक और लेके चलते हैं, देखिए कितना मस्त नज़ारा है और नुमान यहाँ पूरा फुल इंजॉय कर रहा है। कैसे हो दोस्त? दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही हम लोग आए, दिक्कत से तो नहीं आए, रोड तक बहुत ही अच्छा रोड है, लेकिन यहाँ अंदर में आने में पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से आना है, फिर भी हम लोग जो है आ गए अंदर पूछ के, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक लेडीज से हमने पूछा तो वो हमें बता दिया कि यहाँ पर आना है, ये सामने में ही है, तो हम लोग आ गए। कोई बात नहीं है, आप आराम से आइए, इंजॉय करिए यहाँ पर आके। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपनी तरफ से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नुमान भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है नुमान, इसका नाम है नुमान। तो चलिए लाइक करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।